लो सज्जनों मित्रों अगे तुसीं देखो कि ऊंट माशाल्लाह मैं कहना जिहड़ा जिहड़ा भी ऊंट नज़र दड़ाओ ना ऊंठां दा इत्थे ते मैं कहना खूबसूरत ऊंट सहराई जहाज दस लाख रुपए कीमत मुंह दुंदा जी अस्सलामुअलैकुम मेरे सज्जनों ते मित्रों की हाल तुहाडा मैं तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मुअज्जम जट ते सज्जनों अज असीं पहुंचे हां मंडी दे विच और मंडी तुहानूं पता कि बकर मंडी होंदी है कि जिहदे विच बकरे ऊंठ ते होर बड़े जानवर टग्गे बड़ा जानवर होंदे आ ते अज असीं पहुंचे हां बकर मंडी पहुंचे लेकिन बकरियां दे नाल इत्थे असीं पहुंचे हां ऊंठां दी मंडी विच कैमल मंडी ते ऊंट ही ऊंट इत्थे इन्ने ज़्यादा ऊंट आ मैं कहना जिहड़े पासे नज़र दड़ाओ ना हर पासे ऊंट ही ऊंट आ मेरे तुसीं बैक साइड ते वेखदे होवोगे बहुत ज़्यादा ऊंट आ ते ऊंठां दे अज असीं मैं तुहानूं सोहणे सोहणे ऊंट विखाणे जिहड़े कि चंगे नस्ली ऊंट आ और जिन्हां दी कीमत बहुत ज़्यादा वा ते आपां उहनां नाल गल्लबात करके पुछांगे बंदियां कोलों कि कहड़े ऊंट आ और बड़े खूबसूरत ऊंट आ मैं कहना जिहड़े पासे भी मैं नज़र दड़ावां मैनूं हर पासे ऊंट ही ऊंट नज़र आ रहे आ ते बाकी सज्जनों मित्रों आओ चलिए आपां मंडी दे विच तुहानूं पता कि अज पहुंचे आ इत्थे बकरे बुकरे नज़र नहीं मैनूं आ रहे इत्थे आ रहे ऊंट नज़र ते आपां ऊंठां कोल जाणा वा ऊंठां नाल जिहड़े मालक इहनां नाल गल्लबात करके पुछदे आ कहड़े ऊंट आ जाओ फिर चलिए अगे लो जनाब रास्ता बड़ा खतरनाक है तुसीं देखो कि छोटा जिहा रास्ता वा जिहदे ते चल के जाणा वा और इधरली साइड ते असीं पहुँचणा ते इत्थों बहुत ही खतरनाक रास्ता वा तुहानूं पता कि रास्ता इस वास्ते खतरनाक होया पिया वा कि बारिश की वजह तो मौसम बहुत ज़्यादा चंगा पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा सी ते मौसम चंगा होया ते तुसीं माशाल्लाह ऊंठ देखो किड्डे सोहणे सोहणे ऊंठ और देखो ऊंठ माशाल्लाह किड्डा तैयार होया और किड्डा माशाल्लाह खूबसूरत ऊंठ और अगे तुसीं जाइ जो उस साइड ते भी ऊंठ माशाल्लाह माशाल्लाह जिहड़ी साइड ते भी नज़र दड़ाओ ते मैं कहना तुहानूं सोहणे सोहणे ऊंठ नज़र आणगे ते खूबसूरत ऊंठ नज़र आणगे आ लाओ जी ऊंठ तुसीं देखो कि किड्डा खूबसूरत ऊंठ और किन्ने मैं कहना सजाया भी बड़ा खूबसूरत होया वा ऊंठ नूं ते इदां ही मंडी दे विच तुहानूं पता कि ऊंठ ते सोहणे सोहणे हुंदे आ और देखो कि ऊंठ किड्डा किड्डा खूबसूरत ऊंठ आ और दूजी साइड ते देखदा पिया ते अगे आपां जांदे आ आपां ऊंठां दी साइड ते जाई जांदे आ आपां अज वेखणे सोहणे सोहणे ऊंठ ते जिहड़ा तगड़ा कोई वड्डा ऊंठ होणा उहदा आपां अज पुछणा इत्थों रेट ते उहदा की रेट आ और उह किन्ने दा ऊंठ होणा वा क्योंकि मंडी दे विच हर नसल दे ऊंठ हुंदे आ ऐ देखो जी इह काला वी ऊंठ आ कहड़े ऊंठ होंगे आप सारे इतने इन्हों गलबात करा अगे तुम इधर वाली साइड भी देखो कि ऊंठ बड़े सोहने सोहने ऊंठ इतने है साध ने ऊंठ देखे कि नहीं हैलो देखो यार अगे अगे चल अगे चल साध जाना तो पैना किसी ना किसी पास रस्ता क्ढा कि तो यार देखो बाकी ऊंठा का बड़ा बुरा हाल होया पाया वा सिर्फ पानी की वजह क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा वा मतलब चिक्कड़ बहुत ज़्यादा होया पाया जिंद वजह तो बड़ा कम खराब होया पाया अगे इधर वाली साइड भी ऊंठ देखो यार ए बड़ा खतरनाक काम जेड़ा कि चाचा करता पिया देखो बिजली का कम चाचा इतने बिजली वाला कोई नहीं आता इतने बिजली सही क्यों नहीं है गवर्नमेंट वालों कोई बंदा तो वो क्यों नहीं करता तू आप ही करी जाना वा कोई कुछ मसला हो जाए फिर अपनी लाइटिंग है अच्छा चल फिर ठीक कारीगर है फिर ध्यान ना कर जुत्ती पा के कर है अच्छा जनरेटर का सिस्टम है लो यार अगे रास्ता तुसी देखो कि किदा दा रास्ता वा ते बाकी पहुँचते पे इत्थे कौन लड़ पे उत्थे लड़ाई होगी बड़ी दूर ते बाकी यार इत्थे ऊंठ बड़े सोहने ते खूबसूरत ऊंठ है लो सज्जनों मित्रों अगे तुसी देखो कि ऊंठ माशाल्लाह मैं कहना जिहड़े जिहड़ा भी ऊंठ नज़र दड़ाओ ना ऊंठां दा इत्थे ते मैं कहना खूबसूरत ऊंठ सहराई जहाज मैं कहना बड़े सोहने सोहने ऊंठ आ और बड़े सजाए भी देखो ना किड्डे खूबसूरत सजाए हुए आ और ऊंठां नूं ते इत्थे यार बड़ा मसला ऊंठां दा तां इह हैगा कि यार इत्थे पानी दी वजह तों ऊंठ बड़े मुश्किल दे विच क्योंकि इह रेतली इलाके दे विच रहण वाले और चिक्कड़ दे विच ना बहण सकदे ना आवाज़ तुसीं देखो किड्डी खतरनाक आवाज़ है बाकी सज्जनों मित्रों अगे आ जाओ आपां अगे खूबसूरत ऊंठ वेखांगे और अगे ऊंठ इधर वाली साइड ते तुसीं ज़रा नज़र दड़ाओ ना किद्दां चिक्कड़ चिक्कड़ तर पानी ही पानी आ इत्थे ज़रा भी कोई हुकूमत वालों कोई इंतजाम इत्थे कोई नहीं किया जिला इंतजामिया जिहड़ी भी सी उहदे वास्ते कोई इंतजाम नहीं किए कि यार जिहड़े कि ऊंठ आ इन्हां वास्ते कोई मुश्किल ना हो क्योंकि पानी तुसीं देखो ना किन्ना ज़्यादा वा और पानी की वजह तो ऊंठां नूं किन्नी मुश्किल होनी है बाकी सज्जनों मित्रों आओ अगे चलिए अगे जा के वेखदे ते अगे आपां कित्थे पहुँचदे हाँ हाय 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 बड़ा खतरनाक है रास्ता इधरों से बहुत खतरनाक रास्ता पाई अगो इधरों तो हूँ तो लागे लागे जाना कुछ कह ही ना दे अगो
लो जी इधर वाली साइड तुसी देखो कि ऊंट ऊंट ही ऊंट आ गए अगे कि रस्ते खतरनाक रस्ते है और खतरनाक रस्तिया भी बचना पड़ता है खतरनाक रस्तिया के ऊंटा को कि ज्यादा बचना पैदा ऊंटा तो ऊंटा तो होर और खाले तो खाले तो यार तुसी यार रास्ता चेक करो इधर असं गुजर के आए हैं एक साइड से खाला और एक साइड से बाकी उधर नाम की दूजा यार चाचा गल है चाचे को पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम चाचा जी की हाल है अस्सलाम चाचा जी की हाल खरीद खा लो ठीक ठाक खैर खरीद ठीक ठाक हो अच्छा केड़ी केड़ी नस्ल है तुम्हारे को अफगानिस्तानी रेगिस्तानी सराई सारे मौजूद ने गोश्त भी बड़ा मजेदार है अच्छा उन्हें भी ठीक है माशाल्लाह सोना भी है तकड़ा भी है ऊंट है ऊंट है जी ऊंट ऊंट है अच्छा ताडे को निका जा बच्चा सी जो तुसी लंदा के बड़े की तो लिया सी बड़े ही लिया सी बड़े ही लिया सी हां जी तो बच्चे तुसी नहीं मतलब ब्रीडिंग नहीं करवांदे नहीं करांदे तुसी सिर्फ ऊंट बड़े लाया के पाल के ते इथे लेके आना इथे लेके आने किथे ये किथे लेके आए जी मियांवाली जो लेके आए जी मियांवाली जो लेके इथे केड़ी केड़ी मुश्किल दान वैसे बड़ी मुश्किल आन जी देखो मुश्किल सो केड़ी केड़ी मुश्किल पानी दी देख बारिश आई गादा हर चीज का मसला अच्छा जी मेहरबानी अच्छा अच्छा हेलो जी कहते बड़ी मुश्किल इतने क्योंकि पानी की वजह तो बहुत ज़्यादा इतने मुश्किल है और सब तो ऊंट वड्डा ऊंट है एदा जी 10 लाख रुपया है ऊंट की कीमत है देखो जी बच्चा ना तू कितों आया मियां वाली से मियां वाली चो आया है ऊंट तेरा वा नहीं मेरे वो है दूसरी साइड ते भी ऊंट है वा पर हर पासे बड़ा खतरनाक है यार मार दे नहीं लत लुत है वो पाई लत चुक भी लियो हले नाम ही लिया लत चुक लियो बाकी अगे सजनों मित्रों तुसी इधर वाली साइड ते देखो कि ऊंट इधर वाली साइड ते भी बड़े खूबसूरत ऊंट है और जड़ी जड़ी साइड ते तुसी देखदे जाओगे ऊंट तुहानू कमाल तो कमाल ही नज़र आएंगे सोहने तो सोहने ऊंट नज़र आएंगे कि जिन्हां दे मैं कहना तुसी कदी देखिया दिल राजी हो जाता कि वाकई ऊंट है और इधर वाली साइड के ऊंट देखो कि बहन लगे वाह ए केड़ा ऊंट है ये केड़ा ऊंट है भी तेरा ऊंट है ये की है पोती ओदा की मतलब ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਊਂਠਣੀ ਊਂਠਣੀ ਪੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਊਂਠਣੀ ਨੂੰ ਪੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲੋ ਜੀ ਇਹ ਊਂਠਣੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਵੀ ਊਂਠਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਟਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਊਂਠ ਸੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਆਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਊਂਠ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਊਂਠ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਊਂਠ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਊਂਠ ਆ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਊਂਠ ਆ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਊਂਠ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਓ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਊਂਠ ਹੀ ਊਂਠ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ ਜਾਨ सबसे खूबसूरत चीज अच्छा ऊंट लेना है अच्छा जी चाचा जी तुसी ऊंट लेना है जी की ऊंट लेना है अच्छा जी को पसंद आया ऊंट बड़े काफी पसंद आए ने बहुत अच्छे अच्छे जानवर ने ते की दिल मनया लेना का नहीं लेना ऊंट लेना 5 लाख रुपया लाया सत मंगी जंदा अच्छा नजायज पैसे मांगदे ने नजायज नहीं हुन उना दी मजदूरी भी ते है ना किड्डी दूर आके इत्थे रहंदे 5 लाख रुपया साल च ते नहीं बन जंदा
ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ 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 ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦ ਪੈਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੇਣ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ 4.5 ਚ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਹੀ ਲੈਣਾ घड़े झूठ है पता की नाम सही नसल मैं कह रहा या गलत कह रहे सब तो वधिया ऊंट होंदा ਤੇ ਰੋਈ ਦਾ ਊਂਠ ਖਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਈ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਉਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਕਲਾਰਾ ਸਫੈਦ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਊਂਠ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਊਂਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਊਂਠ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਊਂਠ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਊਂਠ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ 5.5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮੰਡੀ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਥੀਵੇ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਊਂਠ ਆਈ उसकी खूबसूरत जानवर जेड़ा है और चंगा लगता है उसके पैसे वाद भी भरे जाए अल्लाह पाक मंजूर कर दे बिल्कुल अच्छा बच्चा पाल के पैदा किया तकरीबन अपने को 250 ऊंट खड़ा है 250 ऊंट ने ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਊਂਟ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਊਂਟ ਉਹ ਉਧਰ ਖੜਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ بارش ਆ ਗਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੋਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਊਂਟ ਲੋ ਜਨਾਬ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਊਂਠ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਊਂਠ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਈ ਊਂਠ ਤੇ ਕੋਈ ਊਂਠਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵੇਖ ਕੇ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਫੜ ਲਵੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਊਂਠ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਲੇਤੀ ਰਲੇ ਮਲੇ ਕੋਈ ਮਲੇ ਚੇਨ ਰਲੇ ਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਊਂਠ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਪਰੇ ਖਲਾਓ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਲਾ ਵਾਲਾ ਪਰਲੇ ਵਾਲਾ ਆਓ ਵੇਖੀਓ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੰਜ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੜੇ ਚ ਆ ਬਾਈ ਜਾਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਮੜੇ ਚ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੜੇ ਚ ਬੜਾ ਖਾਸ ਊਂਠ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਥਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀ ਪੈਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਡਾਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਪਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਹੀ ਸੀ ਮੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਇਹ ਹਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਆ बाकी ऊंट तुसीं देखो माशाल्लाह बड़े सोहणे ते खूबसूरत ऊंट आ लो जनाब ए वो परदेसी जिहड़े के मंडी दे विच आए अपने सोहणे सोहणे ऊंट लै के और खूबसूरत ऊंट लै के देखो कि सारे इत्थे बैठे हुए आ अपना माशाल्लाह इत्थे रह के बैठे हुए और अगर ऊंट वगैरह तुसीं लैणा होण तां बड़े इत्थे डिस्काउंट ते तुहानूं ऊंट मिलणगे नेमोवाणी मंडी दे विच बैठे हुए आ ते आपां भाई नाल गलबात करके पुछ लैंदे भाई ऊंट कुछ कहिंदा ते नहीं मैनूं ते दे दिओ अपना नंबर किहड़ा हैगा तुसीं नंबर भी दे दिओ अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0306-5010-35 ओके ठीक हो गया हेलो जनाब भाई उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दस दिता वा है अच्छा इन्हां दा की नाम है इन्हां दा नाम खान मोहम्मद जी मियांवाली से आया जी हां दस दिता ਬੜੇ ਜੀ ਔਖੇ ਥੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਨ ਨਾਮੂ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪੈ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤੰਗ ਪੈ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਲੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਦਨ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਦੇਉ ਚਾ ਅਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਭਲਾ ਇਹ ਆਦਨ ਬ ਲੁੱਟ ਗਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
हाँ बारिश हो गई मजा त्रुट गया उठन दा चिकड़ बन गया कि बड़ी मुश्किल है इन्होंने ऊंट वाले बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बारिश की वजह तो ऊंट जिन्हें भी है सारे पानी के आ गए और वजह तो बहुत मुश्किल हो रही है इतने ऊंट वाले इंतजामिया चाहिए कि इन्होंने वास्ते कुछ ना कुछ किया जाए। हैलो सजनों तो मित्रों अज असी मंडी दे विच आए सी बकर मंडी दे विच लेकिन बकरे ते तुहानू वैड़े वड़े मैं नहीं दिखाए हैगे लेकिन अज मैं तुहानू दिखाए सोहणे सोहणे ऊंट खूबसूरत ऊंट जिहड़े कि बहुत ही खूबसूरत सी और नियम वाले मंडी दे विच लगे हुए सी ते अज असी ऊंट वेखे आ ते बाकी आपां कल वेखांगे की वेखदे इत्थे आ के ते सजनों मित्रों अज दे दिन वास्ते मैनूं दिओ इजाजत उस बैठ जित्त दी गल है ना खुश रहो आबाद रहो ना विसरो ते ना याद रहो।